पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन आज। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सदस्य के रिक्त पदों के लिए नामांकन। 2 ग्राम प्रधान और 56 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए हो रहा है नामांकन। सदस्य जिला पंचायत के 1 पद के लिए भी होगा नामांकन। सदस्य जिला पंचायत के 1 पद के लिए भी होगा नामांकन। श्रावस्ती से खबर, 21 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 जुलाई को नाम वापसी और चिन्ह आवंटन होगा। 4 अगस्त को मतदान और 5 अगस्त को मतगणना होगी। श्रावस्ती से खबर, पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन आज। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सदस्य के रिक्त पदों के लिए नामांकन। 2 ग्राम प्रधान और 56 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए हो रहा है नामांकन। सदस्य जिला पंचायत के 1 पद के लिए भी होगा नामांकन। श्रावस्ती से खबर, 21 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बाईस जुलाई को नाम वापसी और चिन्ह आवंटन होगा और 4 अगस्त को मतदान और 5 अगस्त को मतगणना होगी। श्रावस्ती में उपचुनाव, पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, जारी है। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्य के रिक्त पदों के लिए नामांकन हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केपी सिंह जुड़ चुके हैं। केपी सिंह जी, 2 ग्राम प्रधानों समेत जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए भी नामांकन होना है, हो रहा है। देखिए, आज नामांकन का दिन था और आज सुबह से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 2 ग्राम प्रधान और 1 जिला पंचायत सदस्य और 56 ग्राम पंचायत जो सदस्य है उनके नामांकन के लिए लगातार जो है जो कैंडिडेट है वो अपना नामांकन करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर 2 ग्राम पंचायतों में अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान के न होने से ग्राम जो विकास विकास ग्राम पंचायत में बाकी जब नया ग्राम प्रधान चुन लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये ग्राम सभाओं के जो विकास के कार्य शुरू हो जाएंगे। कल इसके लिए जो है सुनी होगी नामांकन पत्रों की और जो नामांकन पत्र सही से नहीं भरे हुए होंगे या पूर्ण पाए जाएंगे उनको खारिज किया जाएगा और 22 तारीख यानी 22 जुलाई को इसका जो है नाम वापसी का समय है और 3 बजे तक का समय नाम वापसी का, 3 बजे के बाद नाम जो है नामांकन कर दिया जाएगा और उसके बाद जो कैंडिडेट है वो प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। जो प्रचार प्रसार का समय है वो 2 अगस्त तक रखा गया, 2 अगस्त शाम 5 बजे तक प्रचार करेंगे, 3 अगस्त पोलिंग पार्टियां जो है रवाना होंगी, 4 अगस्त को जो है मतदान कराया जाएगा और 5 अगस्त को जो नतीजे है वो सामने आ जाएंगे। केपी सिंह जी, कब से दिखता है ये पद? देखिए, हाल फिलहाल में जो पिछले साल चुनाव हुआ था तो उसके बाद आप सभी जगहों पर जो है ग्राम प्रधान हो या सदस्य हो या फिर जिला पंचायत के जो पद है सब चुने गए थे, लेकिन बीच में जो है कुछ लोगों की जो ग्राम प्रधानों की डेथ हो जाने से जिला पंचायत सदस्य की हाल फिलहाल में भी 4-5 महीने पीछे जो है डेथ हो जाने के कारण ये प्रवृत्त हो गए थे जिसके बाद से खाली चल रहा था। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी जो नया प्रचार जी के द्वारा जो है सूचना जारी की गई और पद को जो है पत्रों को भर करके और पुनः जो विकास के कार्य में तेजी लाई है। जी केपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता केपी सिंह जो बता रहे थे कि ग्राम प्रधान और जिला पंचायत से की डेथ हो जाने निधन हो जाने के कारण ये पद रिक्त थे और 1 जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद के लिए भी नामांकन हो रहा है। 4 अगस्त को मतगणना और 5 अगस्त को रिजल्ट आएगा। 5 अगस्त को मतगणना होगी, 4 अगस्त को। श्रावस्ती से खबर।